क्लास सेकेंड, सब्जेक्ट इंग्लिश वन, अपनी बुक, अपनी कॉपी, पेंसिल अपने पास रखिए। और जैसा हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था द कबर्ड, हमने एक पोयम पढ़ी थी पेज नंबर 20 पे, तो उसी में आगे बढ़ते हुए हमने फिल इन द ब्लैंक्स कर लिया था। आज हम आगे बढ़ेंगे उसमें पेज नंबर 21 में, और हम करेंगे वोकैबुलरी वाला पोर्शन जो कि है मैश द वर्ड्स इन द कॉलम्स टू फॉर्म न्यू वर्ड्स। ए साइड में कुछ वर्ड्स हैं, उसके सामने डिफरेंट वर्ड है, तो ए साइड के वर्ड को मिला के हमने बी कॉलम में मैच करना है और एक न्यू वर्ड फॉर्म होगा। तो हमने ध्यान से देखना है कि किस वर्ड को किससे मैच करके एक नया शब्द बनेगा, ठीक है। तो पहले आप ए वाला देख लीजिए, कप। तो कप आपका जो पोयम है वो है आपकी कपबोर्ड, कपबर्ड, ठीक है। तो आपने ए को मिलाना है फाइव से, तो फाइव पे ऑलरेडी आपकी बुक में वो मैच हुआ है, ठीक है। अब बी पे चलते हैं हम, ब्लैक। ब्लैक, ब्लैक के साथ मैच होगा, बी के साथ मैच होगा टू, तो ब्लैक बोर्ड। सी देख लीजिए, पोस्ट। लेटर लेके हमारे घर में कौन आते हैं, सी के साथ जब हम पोस्ट के साथ मैन मिलाएंगे तो बनेगा पोस्ट मैन, तो सी को आपने मिलाना है वन से, तो बन जाएगा पोस्ट मैन, एक नया शब्द बन गया पोस्ट मैन। डी देख लीजिए, कार। कार, कारपेट। डी को मिलाएंगे हम थ्री से तो बन गया कारपेट। ई, बेड। बेड के साथ शीट मिलेगी तो बन जाएगी बेडशीट, ई को मिलाएंगे फोर से, ठीक है। तो आप कॉपी में भी देख रहे हैं, मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं, तो आप इसी तरीके से इसको करिएगा। इसी में नीचे नेक्स्ट देख लीजिए, बी पार्ट। एड फुल टू मेक वन वर्ड। एक साइड आप देख रहे हैं कुछ वर्ड्स दिए हैं, इन्हीं वर्ड्स के साथ हमको ऐड करना है एफ यू एल, फुल, तो फिर से एक नया वर्ड फॉर्म होगा। तो हमने जितने भी ये 1, 2, 3, 4, 5 हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनके साथ हमें खाली ब्लैंक वाली जगह में एफ यू एल फुल लिखना है, तो उन दोनों को मिला के जो एक नया वर्ड बनेगा वो हमें लास्ट वाले ब्लैंक में लिखना है। तो समझ लीजिए, बाकी आप अपने आप करेंगे, आप पहला वाला समझ लीजिए। वन वाला देख लीजिए, पी एल ए वाई होता है प्ले, प्लस का साइन दिख रहा है आपको, उसमें हमने जोड़ दिया एफ यू एल, तो इन इसमें से अब प्लस हट जाएगा, इक्वल टू में हम इनको प्ले फुल, एक नया शब्द बन गया, हमने प्लस का साइन हटा दिया, तो पी एल ए वाई एफ यू एल प्ले फुल, एक नया शब्द बन गया। इसी तरीके से टू वाला देख लीजिए, सी ए आर ई केयर होता है, फिर प्लस का साइन दिख रहा है आपको, एक खाली ब्लैंक है, तो इस खाली जगह में हमने क्या लिखना है, हमने यहाँ पे लिखना है फिर से एफ यू एल, और जब हम यहाँ पे एफ यू एल लिख लेते हैं उसके बाद फिर इक्वल टू का साइन है, तो अब जब इक्वल टू के साइन के बाद हम खाली जगह में लिखेंगे तो प्लस का साइन हट जाएगा और एक नया शब्द बन जाएगा केयरफुल। थ्री वाला देख लीजिए, एच ए आर एम, हार्म। हार्म होता है किसी को हानि पहुंचाना या फिर किसी को नुकसान पहुंचाना, फिर प्लस का साइन है, फिर खाली जगह है, फिर इक्वल टू का साइन है, फिर खाली जगह है, तो प्लस के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एफ यू एल फुल, फिर इक्वल टू के बाद जो खाली जगह पे आएगा वो आएगा हार्मफुल, प्लस हट जाएगा, नया शब्द बन गया हार्मफुल। फोर है एफ ओ आर जी ई टी, फॉरगेट, प्लस खाली जगह, इक्वल टू खाली जगह, तो प्लस के बाद हम फिर से लिखेंगे एफ यू एल फुल, बराबर का साइन है, तो फिर नया शब्द जो बनेगा वो होगा फॉरगेटफुल, फॉरगेट मतलब होता है भूलना। फाइव में वंडर, प्लस फिर खाली जगह में हम लिखेंगे एफ यू एल फुल और नया शब्द जो बन गया वो हो जाएगा वंडरफुल। तो इस तरीके से आप अपनी कॉपी में करिएगा अच्छी सी हैंडराइटिंग बना के।